आगरा में उस वक्त हक्का मच गया जब इनकम टैक्स विभाग ने 3 अलग अलग जगह छापेमारी की। आज छापेमारी आगरा के बड़े शू एक्सपोर्ट के यहाँ हुई। इसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी भी है। एक बड़े शू कारोबारी ने छापों की पुष्टि की। नोएडा में ACE ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा छापेमारी की गई। इसी क्रम में आगरा में कई जगह छापेमारी की गई है। सूत्रों के अनुसार आगरा के लाजपत कुंज निवासी शू एक्सपोर्टर विजय आहूजा और मनु अलग के आवास पर सुबह इनकम टैक्स की टीम पहुंची। मनु अलग को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। अभी कुछ माह पहले अखिलेश यादव मनु अलग की माता के निधन के बाद 6 सितंबर 2020 को उनके घर भी आए थे। हालांकि मनु का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आगरा की महिला शू एक्सपोर्टर मानसी चंद्रा विजयनगर स्थित आवास पर भी आयकर विभाग की टीम। इस बीच हमारे साथ आगरा के ब्यूरो चीफ विकास गुप्ता जुड़ चुके हैं। विकास, शू कारोबारियों के यहाँ छापेमारी हुई है, जिसमें से एक कारोबारी अखिलेश यादव का करीबी भी बताया जा रहा है। जी जी, आपको बता दिए, चिप के मामला है, इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, जो कि तीन कारोबारों की यहाँ पड़ा है छापा, जो कि तीनों कारोबारी जीते स्विच कारोबारी है, और एक मन्नू अलग जो कि अखिलेश के बहुत ही करीबी है और उन्हीं के ही ये तीनों रिलेटिव है मन्नू अलग के। अभी नोएडा की टीम है, आगरा की भी टीम है इनकम टैक्स की, पर अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। अंदर जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है, और काफी ऐसी पुलिस भी इनके गेट पर लगा दी गई है और भी जांच चल रही है। इसे क्या राजनीतिक द्वेष समझा जाए या फिर कुछ और? ये आपको अभी कानपुर में पीयूष जैन के यहाँ पड़ा, जो कि वो भी एक कारोबारी थे, वो भी एक अखिलेश के करीबी बताए जा रहे हैं। उसके बाद आगरा में भी खलबली मच चुकी है, सभी ये तीनों कारोबारी के लगातार छापा पड़ा है, तीनों के यहाँ अभी जांच पड़ताल चल रही है। क्या इनकम टैक्स विभाग को कोई ऐसी सूचना मिली थी क्या? काफी दिन से ये लोग जांच के लिए थे कि कुछ इनको सूचना मिल रही है, इनपुट मिल रही है कि नहीं, क्या ये लोग कुछ इनकम टैक्स को लेकर कुछ घोटाला कर रहे हैं? इनकम टैक्स का ये होता है, इनकम टैक्स में कोई भी घटना में कोई भी जांच के लिए तैयारी होती है, तो कोई लीकेज नहीं होती है ना, पता चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो बात भी नहीं करते हैं। अगर हम लोग कोशिश ही करते हैं तो गवर्नमेंट कॉल कर देता है, अभी जांच चल रही है, आपको जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। अच्छा, अभी क्या कुछ निकल कर सामने आया? अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, अंदर जाने के लिए सभी के लिए मना है और अंदर जांच चल रही है, अभी पड़ताल चल रही है, जो भी निकलेगा तो जैसे ही निकलेंगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, फिर हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या निकला क्या नहीं निकला। अच्छा, क्या विपक्ष की तरफ से या यूं कहे सपा की तरफ से कोई बयानबाजी हुई इसको लेकर, छापेमारी को लेकर? अखिलेश यादव ने कुछ कहा अभी तक? अभी अखिलेश सिंह जी ने कहा था कि क्या बोला, ये तो एक तंत्र लोक है, जो कि जब इलेक्शन आते हैं तभी यही होता है। जब इलेक्शन आते हैं तो यही होता है। अच्छा, ये छापेमारी कितने बजे शुरू हो गई थी? कम से कम 6:30 बजे टीम आ चुकी थी और अभी आपका टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं, अभी भी जांच चल रही है। तीनों जगह टीम मौजूद है और जैसे ही वो निकलेंगे वैसे हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। मतलब 5-6 घंटे हो गए हैं छापेमारी को और अभी सारी टीम अभी अंदर। अच्छा, तीनों जगह पर एक ही समय छापेमारी हुई, एक साथ छापेमारी की गई थी? जी, टाइम का जब हमें सूचना मिली तो हम आगे तक पता चला और जानकारी ली, तो ये तीनों जगह छापेमारी एक ही साथ हुई है। तीनों जगह छापेमारी एक ही साथ हुई है। धन्यवाद विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, और पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे विकास गुप्ता, जो कि मौके पर मौजूद है और वो बता रहे हैं कि छापेमारी सुबह 7:30 हुई है लगभग, और अभी भी टीम मौजूद है, इनकम टैक्स विभाग की टीम मौजूद है, अलग अलग जगह से इनकम टैक्स विभाग की टीम आई है, नोएडा से भी आई हुई है, तो इनकम टैक्स विभाग की टीम मौजूद है, छापेमारी हो रही है, अभी कोई चीज भी सामने निकल कर नहीं आई है, विभाग की तरफ से भी अभी कोई चीज बताई नहीं गई है। फिलहाल तीन जगह पर छापेमारी हुई है और बताया जा रहा है एक अखिलेश के बहुत करीबी है और उनके करीबी दो रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है और एक ही समय पर छापेमारी हुई है। अब देखना यह है कि इस छापेमारी को लेकर सपा की तरफ से अब क्या बयान सामने आता है।